दोस्तों मैं आया हूँ कोसल पैलेट होटल कानकुंड में, तो देखते हैं इनका जायका कैसा है। चले चलते हैं अंदर। इनका मेन्यू है ये, तो हमने मंगाई है एक नॉर्मल थाली जिसको 130 रुपीज़ है, जिसमें फ़िश फ्राई में भांगड़ा फ़िश यानी कि इंडियन मैकरल फ़िश फ्राई आएगा, और एक हमने मंगाई है पीसवन यानी कि जो किंग फ़िश की थाली मंगाई है, जिसमें इसका प्राइस उस किंग फ़िश का जो फ्राई का पीस आता है उसमें उसके हिसाब से उसका प्राइस वेरी करता है। तो उसका 250 है किंग फ़िश की थाली का, जिसमें मीडियम साइज़ का किंग फ़िश का फ्राई का साइज़ होता है, और उसके बाद 280 में थोड़ा और बड़ा फ़िश फ्राई का साइज़ होता है, और 300 का अलग थोड़ा उससे और बड़ा होता है। तो हमने 280 वाला किंगफिश का थाली मंगाई है, हमने टोटल दो थालियां मंगाई है। तो चलिए वेट करते हैं अभी। तो थाली हमारी आ चुकी है, दोनों थालियां हमारी आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो नॉर्मल फिश थाली है, जिसमें भांगड़ा फ्राई आता है, ये राइस है, अचार है, कोकम, और ये किशमोर है जो सूखे झींगे के साथ बनती है। सॉरी, ये किशमोर है, यहाँ पे देखिए सूखे झींगे के साथ बनती है, और ये एक सब्ज़ी है ये, और ये फ़िश की करी है। और इसमें जो 130 की थाली आती है, इसमें आपको नॉर्मल भांगड़ा फ्राई मिलता है। और यहाँ पे देखिए ये जो दूसरी इसवन फिश थाली है, इसका राइस है, इसमें एक करी एक्स्ट्रा आई है, और साथ में देखिए यहाँ पे किंगफिश का फ्राई आया है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो करी है, ये करी फिश की करी, इसके साथ एक आई है। यहाँ पे देखिए ये कौन सी फिश है पता नहीं, इसको चेक करेंगे। ओके, ये भांगड़ा फिश करी है इसके साथ जो आई है, और एक छोटा सा पीस इसमें भांगड़े का है। और ये एक फिश, इसमें फिश, ये जो फिश करी है बहुत ही मस्त है, नारियल का जो मसाला होता है उसका टेस्ट है इसमें मेजोरिटी। फ़िश करी बहुत ही अच्छी है। यह आलू की सब्ज़ी है, नारियल डालकर बनाई गई है। ये किशमोर है, सूखे झींगे से बनाई जाती है, ये नारियल होता है, इसमें प्याज है, लेकिन बाकी जगहों पे इसमें बहुत ही पाउडर्ड सूखे झींगे को पाउडर कर डाला जाता है उसमें, लेकिन यहाँ पे ये बड़े बड़े पीसेस फ्राई कर रोस्ट कर इसमें डाले गए हैं। दोस्तों, ये जो मैंने दिखाया था किशमोर, इसमें बड़े बड़े सूखे झींगे हैं इसमें, तो इसको जब आप खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से चबा कर खाइएगा तो ज़बरदस्त टेस्टी है ये किशमोर। तो यहाँ पे एक नया टाइप का किशमोर है, इसमें होल जो सूखा झींगा होता है वो ऐड किया गया है। दोस्तों, ये जो इसवन यानी कि किंगफिश की थाली थी, इसमें एक एक्स्ट्रा था, इसमें एक एक्स्ट्रा चने का करी मिलता है, बाकी सब तो इसमें सेम ही है। किशमोर भी है, तो सेम सब्ज़ी है, कोकम है, और ये चलो देखते हैं जो किंगफिश का फ्राई है, आप देखें इस तरीके से ये। तो आप बढ़ते हैं जो इसवन यानी कि किंगफिश सुरमई जिसको बोलते हैं सुरमई, उसकी फ्राई, इसका देखिए पीस का थिकनेस इतना है, उसको रवा फ्राई, कोस्टल कारवार गोवा में आपको रवा फ्राई फिश मिलता है, इसका पीसेस
बहुत ही फ्रेश पीस है ये और क्रंची हुआ है। ये है इस्वान यानी कि किंगफिश फ्राई का जो मैं आपको अभी जो जायका दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप बढ़ते हैं कांगड़ा फिश फ्राई की तरफ। आप देखिए कांगड़ा फिश फ्राई है ये। ये भी मस्त है फिश फ्राई कर इसको रवा फ्राई किया गया है। यार रवा फ्राई जब करते हैं तो वो शैलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई नहीं करते, इसलिए कौन साइड में कुछ ले रहे हैं। मैं आपको फिश रवा फ्राई मिलेगी, बहुत टेस्टी होती है, क्रंची भी होती है। तो ये थे हमारी बांगड़ा फिश फ्राई। दोस्तों तो ये था उड़पी होटल यानी कि जो कोस्टल पैलेट उड़पी होटल का रेस्टोरेंट का फूड का रिव्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।